हिंद दोस्तों, और मैं आपको शिमला के सबसे फेमस पॉइंट पर ले आया हूँ। और मैं आपको एक बार सभी का करवाता हूँ, आपको एक बार सभी का जो यहाँ पर जितना यहाँ का ये जो फेमस एरिया है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ की फेमस चर्च, सबसे फेमस पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ बताऊंगा, वैसे तो बर्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और दिन के टाइम गर्मी भी लग रही थी, महसूस हो रही थी। बट अब जो अभी 4:30 के समथिंग उस टाइम हो रहा है, और 4:30 पे टाइम ऐसी हो चुकी है कि मैं अच्छी तरीके से कस के हाथ में ग्लव्स पा के दूसरे हाथ से शूट कर रहा हूँ, और ग्लव्स उतारा हुआ, मेरी बैंड बजी हुई है अच्छी तरीके से, पर फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ, हाथ सुन पड़ रहा है। सिर्फ आपको एक लेटेस्ट वीडियो दिखाने। तो दोस्तों, ये हम शिमला के सबसे फेमस पॉइंट पे खड़े हैं, और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ की फेमस चर्च। तो हाँ दोस्तों, यही है वो यहाँ की फेमस चर्च। यहाँ की फेमस चर्च जहाँ पर आपको अक्सर फोटो वगैरह खींचने को खींची हुई स्टेटस लगी देखने को मिलेगा। बस इस वक्त ही यहाँ पर कुल्फी जम रही है, वैसे बर्फ नहीं पड़ी, कह रहे थे कि बर्फ पड़ने के चांस हैं, पर देखते हैं। ये पूरा एरिया और ये हमारे देश की शान, तिरंगा शान से लहराता हुआ, एक तो सबसे ऊंचे पॉइंट पर और ऊपर से उससे भी ऊपर हमारा तिरंगा दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से शिमला के शहर सिटी का जो व्यू है वो आपके सामने देखने को मिल रहा है, और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये देखिए यहाँ का सीन, व्यू देखिए, घर बैठे ठंड लग सकती है। बाकी कहने को यही है कि यहाँ पे मौसम तैयार हो रहा है, वो आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं। देखिए और माल रोड पे लाइट्स जल चुकी हैं, और आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का माल रोड। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप घर देख रहे हैं, ये यहाँ के मेयर का हाउस है, मेयर का घर है। कंफर्म नहीं है क्योंकि बाहर प्लेट लगी हुई थी मेयर की, तो मेयर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हाउस शानदार, लाजवाब। दिस इज द माल रोड।
ये जो प्लेट है मैंने मंगवाई है, ये मात्र 100 रुपए की प्लेट है। ठीक है, इसमें एक दाल है, राजमा है, सब्जी है, एक मटर आलू की, राइस, रोटी। तो मेरे से लगता है, और ये इसका नाम शेरे पंजाब ढाबा है, ये बिल्कुल पास में ही है चर्च के और मेरे होटल के भी पास में है। साथ में हमने एक प्लेट कढ़ी चावल की भी मंगाई है, टेस्टी है, नॉट बैड। तो साथी दोस्तों, मैं आप लोगों को कमरे का व्यू भी दिखा दूंगा थोड़ा सा, जो इस वक्त मैं जिसमें रुका हूँ, और ये अराउंड कुछ 800-900 के समथिंग पड़ा है। और यहाँ से व्यूज़ वगैरह भी पास में ही देखने को मिल रहे हैं, साथ में ही है सब कुछ, मैंने जैसे कि आपको बता दिया। रूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहूँगा कि यहाँ पर एक दिन का स्टे ही बहुत है, क्योंकि शिमला में बहुत सी चीज़ें घूमने को नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ मैंने रूम लिया, और मैंने जिस लोकेशन पर आपको रूम बताया लेने के लिए, कि आप चर्च के आसपास ही आए, आपको सही महंगे नहीं होंगे, कॉस्टली नहीं है, सही है। एक दो होटल्स में पता करें, आपको सही मिल जाएंगे, सही रेट पे मिल जाएंगे। और साथ में ही स्नैक्स की, खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है, और रेट्स भी सही है, जनरल है। थोड़ा सा आगे पीछे होकर देखेंगे तो लोकल जो यहाँ के हैं, बहुत बड़े रेस्टोरेंट भी हैं, जिनको ज़्यादा VIP रेस्टोरेंट में खाना पसंद है वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं उसमें जाकर, और जिन्होंने नहीं है उनके पास मार्जिन और ठीक ठीक बजट में आए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। बंदा 100-120-140 में दो बंदे आराम से खा सकते हैं। मटर पनीर जैसी सब्जियाँ, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, मैं खाकर आया हूँ मैं इसलिए। तो चलिए, मैं आपको जो भी शिमले की अपडेट होगी, आगे की अपडेट, आपको आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और एक चीज़ और मैं आपसे सभी से कहूँगा, देखिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, बट मेन चीज मैंने, जैसे कि सब चैनल वाले बोलते हैं कि पहले जो चीज बोलते हैं वो नहीं, पहले मैंने आपको आधी इन्फॉर्मेशन दे दी है शिमला की। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कहीं से भी थोड़ी बहुत मुझसे कमी या कुछ हो जाए तो प्लीज छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझें आप माफ कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत कर रहा हूं और बहुत सी वीडियो तकरीबन मैं कुछ लेकर भी डाल भी चुका हूं, रिगार्डिंग मेरी मैरिज की भी डाल रहा हूं मैं, ब्लॉग्स डाल रहा हूं। तो ये ब्लॉग भी आप लोगों के बीच में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और प्यार दें, और फिर मिलते हैं आपको। तब तक शिमला की जो अपडेट है आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो और मिलते हैं आगे व्यूज पर। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ शिमला का जो आज ब्लॉग था एक, उसका मैं एंड करता हूँ, और फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा, और आपके लिए वो सरप्राइज़ होगा कि
कि आपको क्या देखने को मिलेगा, और जो भी मिलेगा उसमें इन्फॉर्मेशन होगी। आज की जो इन्फॉर्मेशन एक ढाबे की थी, रेस्टोरेंट किसी सच जहाँ मैंने खाना खाया, ठीक था। उसका प्राइस भी मैंने आपको तकरीबन बता दिया उसमें, और उसका टेस्ट भी ठीक था और पास में ही था, तो हर जगह का थोड़ा सा ट्राई लेना बहुत ज़रूरी होता है। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा आज का एंड करते हुए, कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस ब्लॉग के ज़रिए आपको। बाकियों का मैं कह नहीं सकता, पर तकरीबन मैंने आप शायद आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें, मैंने जितनी कोशिश की है आपको, तकरीबन कोशिश की है आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके मैंने की है। तो तब तक बाकी आगे के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, और तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद दोस्तों।